तो गाइस जैसा कि मैंने बोला था तो मैं वहाँ एक्सीडेंट वाले स्थान पर पहुँच चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रक जो है तो अनियंत्रित होकर पलटा हुआ है और ट्रक में जो है तो पूरी तरह से मैदा लोड था। और यह का नज़ारा जो है तो घाट पंडारी का है जहाँ ट्रक जो है तो अनियंत्रित होकर पलट चुका है और ये जो इसमें पूरा मैदा लोड था और यहाँ जो नए ड्राइवर जो आते हैं उनको पता नहीं चल पाता है और ये घाट भी बहुत ख़तरनाक है। इस तरह से जो है तो ट्रक बैक हो जाने के कारण यह हादसा जो है तो हो गया है और इसमें जो है तो बहुत ही पूरा ट्रक जो मैदा से लोड था लाखों का माल जो है तो नुकसान हो चुका है और पब्लिक यहाँ जो है तो भीड़ लगी हुई है। और ट्रक का नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तो काफ़ी यह ख़तरनाक हादसा हुआ है और यहाँ जो है मैदा की बोरियाँ फटी पड़ी हुई हैं और इस मैदे को अब शायद जो सुरक्षित होगा उसको उठा उठा कर ट्रक के मालिक या ड्राइवर जो हैं तो वह ले जाएंगे। काफ़ी भीषण यह हादसा, गनीमत रही कि ड्राइवर की जान बच चुकी है। और काफ़ी मैदा का यहाँ नुकसान भी हो चुका है, चारों तरफ जो है तो मैदा ही मैदा, बोरियाँ फट चुकी हैं। यह है 18 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर पलट चुका है। और यह स्थान काफ़ी ख़तरनाक है और यहाँ जो है तो आए दिन जो है तो हादसा होते रहता है। नाम ही है इसका घाट पंडारी। देख रहे हैं ट्रक का जो है तो परखच्चे उड़ चुके हैं और ट्रक के जो है तो आगे के दोनों शीशे फूट चुके हैं। ट्रक का काफ़ी नुकसान हो चुका है और यहाँ पब्लिक जो है तो मैदा के फिराक में है लेकिन मिलना मुश्किल है। ट्रक के जो है तो दोनों शीशे की हालत गंभीर हो चुकी है, चूर चूर हो चुके हैं। और यहाँ पर जो है तो ट्रक जो है तो बुरी तरह से पलट चुका है। ट्रक के पीछे का नज़ारा भी अभी आपको दिखाएंगे हम। ट्रक जो है तो अशोक लीलैंड का है, ये देखिए यहाँ पर ट्रक जो है तो पलटा हुआ है, पूरा एक दो पलटा खा गया है। काफ़ी बड़ा यह हादसा। तो गाइस यहाँ पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।